अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं डब्ल्यू क्रिएशन। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बिल्कुल यूनिक एडिटिंग लेके आए हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी ये वाली पिक्चर अपलोड की थी, तो ये पिक्चर काफ़ी अच्छी थी। इसका हमारा कॉन्सेप्ट था ईद उल अदा वाला, कि जो आने वाली है, अभी आज चांद दिख जाएगा। आप लोगों को चांद मुबारक हो बहुत बहुत। तो आज हम ये एडिटिंग सिखाएंगे आप लोगों को। अगर आप लोग अच्छे से एडिटिंग करनी है तो बगैर स्किप करें वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, हम पिक्सआर्ट ओपन करेंगे, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। हम यहां जाएंगे, हम यहां से अपनी बैकग्राउंड लेंगे, ये बैकग्राउंड लेंगे। तो गाइस, जो भी मैं बैकग्राउंड एंड पीएनजी यूज़ करूँगा, उनका लिंक हमेशा की तरह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इजीली जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। हम फिर ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाने के बाद आप लोगों को लेना है ये, इसको आप लोगों को करना है थोड़ा बड़ा, इसको लगाना है यहाँ। इरेजर पे जाके इंसर्ट करके रीस्टोर के हार्डनेस को कम करके साइज को फुल करके इधर आप लोगों को ये यू चलाना है। यहाँ हल्का हल्का ये दिख रहा है ना, हम इसको इरेज कर देंगे। इसकी ओपेसिटी को आप लोगों को तकरीबन रख देना है 60-61 रख देंगे। और यहाँ एडजस्ट में जाके इसकी थोड़ी सी हम सेचुरेशन को कम करेंगे और इधर टेम्प को बढ़ा देंगे, क्योंकि गर्मी इलाका है, इसमें येलोइश हो रहा होता है। तो हम बादल को भी, स्काई को भी ब्लैक येलो कर देंगे। तो हमारा ये हो गया काम ख़त्म। फिर हम जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद ये आप लोगों को कैमल की लेना है, पीएनजी ले लें, ये यहाँ लगा देंगे बिल्कुल। लेकिन इसका शेडो पहले से ही मैंने बना दिया है, आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसको लगाने में। बस आपको यूँ लगाना है, ये अच्छे से लग जाएगा। फिर हम ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाने के बाद अपने मॉडल को लेना है हमें। तो आप लोगों ने, अगर आप तो नहीं पता है कट कैसे करते हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लो। तो हम यहाँ से इसको लगाएंगे, कैमल की थोड़ी सेटिंग आउट हो गई, सही है। ये हमने लगा दिया, ये हमने अपने मॉडल को भी लगा दिया, ठीक है। फिर हम जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद ये हमें, ये कुंडा है, ये लेना है। तो देखें, रस्सी हमारे पीछे से आ रही है, तो हम पहले उसको यूं लेंगे और यहाँ डुप्लीकेट ले लेंगे पहले, और फिर इसको कर देंगे यहाँ ये मूव डाउन, यानी कि ऐसा लगेगा कि हमारे पीछे से ही रस्सी आ रही है इसकी, जो भी आप भूल सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और हम इसको लगा देंगे ये यूँ, ठीक है। फिर हम इसको ये वाले को लेंगे और हमें ये लगाना है बिल्कुल ऐसे, देखें। ये आप यूँ करके लगा दें। इरेजर में जाएंगे, हार्डनेस को फुल करेंगे, साइज को अपने हिसाब से रख के हमें ये करना है इतना इरेज। तो देखें, हम इतना ये यूँ इरेज कर देंगे। ये देख सकते हैं, ऐसे ही लग रहा है जैसे हमने इसको रियल में ही हाथ में पकड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं, हमारी पिक्चर काफ़ी अच्छी लग रही है, ये हमारी पिक्चर। फिर हम ऐड फोटो में जाएंगे, बस लास्ट एक रह गए पीएनजी, ये ईद उल अदा की है। इसको हम यूँ बड़ा करके बिल्कुल
यहाँ लगा देंगे। तो गाइस ये काफ़ी अमेजिंग हमारी पिक्चर लग रही है, बिल्कुल रियल लग रही है, देखें आप। तो गाइस आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।